वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत के पास है। अक्टूबर नवंबर में टूर्नामेंट का आयोजन होने वाला है। बीसीसीआई ने इस वनडे वर्ल्ड कप के लिए शेड्यूल भी ड्राफ्ट कर दिया है। इसके मुताबिक 5 अक्टूबर को टूर्नामेंट का पहला मैच खेला जाएगा। 2019 की फाइनलिस्ट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच होगा। भारतीय टीम अपना पहला मैच इसके 3 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेलेगी। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का मुकाबला 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ 1,00,000 से ज्यादा लोगों की बैठने की व्यवस्था है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबलों में गिना जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2022 में जब दोनों टीमें टकराई थी तो पूरा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड भर गया था। वहाँ भी करीब 1,00,000 लोगों की बैठने की क्षमता थी। भारत 9 मैदानों पर अपने ग्रुप मुकाबले खेलेगा। 11 नवंबर को टीम इंडिया अपना आखिरी ग्रुप मैच बेंगलुरु में खेलेगी। वहीं बीसीसीआई ने ड्राफ्ट शेड्यूल को आईसीसी के साथ शेयर कर दिया है। इसे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले देशों के पास फीडबैक के लिए भी भेजा जाएगा। फिर अगले सप्ताह की शुरुआत में अंतिम शेड्यूल जारी किया जाएगा। ड्राफ्ट शेड्यूल में सेमीफाइनल के लिए मैदानों की जानकारी नहीं है, जो 15 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे। वहीं फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद में होगा। टूर्नामेंट का पहला मैच भी अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। वहीं वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के शेड्यूल की बात करें तो भारत अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को चेन्नई में खेलेगी। इसके बाद दूसरा मैच अफगानिस्तान के साथ 11 अक्टूबर को दिल्ली में खेलेगी। वहीं तीसरा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। फिर चौथा मैच बांग्लादेश के खिलाफ 19 अक्टूबर को पुणे में खेला जाएगा। इसके बाद पांचवा मैच न्यूजीलैंड के साथ 22 अक्टूबर को धर्मशाला में होगा। फिर छठा मैच इंग्लैंड के खिलाफ 29 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा। इन सभी मैचों के बाद अगर भारत क्वालिफाई करता है 2 नवंबर, 5 नवंबर और 11 नवंबर को मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में खेलेगा। वैसे आपको भारत का वर्ल्ड कप का शेड्यूल कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलना।